ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। लगातार कोशिश होती है इस चैनल के जरिए यूके स्टडी वीज़ा को लेकर अपडेटेड करते रहें, इन्फॉर्म्ड करते रहें, नॉलेज करते रहें। पर आज का ये स्पेशल शो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो वीज़ा ले चुके हैं या आने वाले दिनों में वो वीज़ा लेंगे फॉर सेप्टेम्बर इनटेक, और उनको जाके वहाँ पर जॉब्स ढूंढनी और कैसी जॉब्स हैं जिनको वो पहले टारगेट कर सकते हैं और क्या प्रेपरेशन वो यहाँ से करके जा सकते हैं, तो इसके ऊपर बातचीत रहेगी। सबसे पहले चाहूँगा जी, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स यूके के मिस ना करें। सो यूके जो बच्चे जा रहे हैं, जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि यूके में पीसीसी की जरूरत नहीं होती, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है वीजा पर्पस के लिए। बट मैं चाहूंगा कि जो बच्चे वीजा ले चुके हैं वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जरूर ले लें। क्यों ले लें? क्योंकि यूके के अंदर बहुत सारी जॉब्स हैं सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी ऑफिसर की। जब आपको सिक्योरिटी की जॉब करनी होती है तो पीसीसी आपसे डिमांड किया जाएगा। बहुत सारे ये बच्चे पीसीसी नहीं लेके जाते क्योंकि पीसीसी की वीज़ा में रिक्वायरमेंट नहीं है, ट्रैवल में रिक्वायरमेंट नहीं है, कहीं पर भी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप ये पीसीसी लेके जाएंगे तो जो सिक्योरिटी की जॉब्स हैं पार्ट टाइम वो आप कर सकेंगे और उनमें बहुत अच्छा पे रेट भी आपको मिलेगा, मतलब अच्छी इनकम की वो जॉब है। इसके अलावा जो बच्चे दूसरे हैं वो केयर वर्कर जॉब्स को आप सेकंड टारगेट लेके चल सकते हैं। उसके लिए एक कोर्स होगा जो आपको ऑनलाइन क्लियर करना होगा, तकरीबन महीने से डेढ़ महीने का ये प्रोसेस हो सकता है। लेकिन केयर वर्कर के अंदर आपको दो बेनिफिट्स हैं, एक तो जब आप जॉब करोगे यू विल गेट अ गुड सैलरी, और सेकेंडली केयर वर्कर फील्ड में बहुत सारी एजेंसीज कंपनीज आपको डायरेक्ट वर्क परमिट टायर टू दे रही हैं जो आपको चाहिए होता है बाद में सेटलमेंट के लिए। तो अगर आप शुरू से ही उस रास्ते पे चलेंगे तो आपका सेटलमेंट बहुत ज्यादा आसान होगा। ये खास करके मैं कहूंगा 10+2 स्टूडेंट्स को। क्यों? क्योंकि अगर वो केयर वर्कर में चले जाते हैं और उनको कंपनी वर्क परमिट ऑफर कर देगी तो उनको 3 साल की डिग्री खत्म करनी जरूरी नहीं है, वो बीच में ही अपना वर्क परमिट लेके उस पर चल सकते हैं आगे। सो इन चीजों का खास ध्यान रखें। और इसके अलावा अगर आप शेफ कुकिंग की जॉब्स जानते हैं तो उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आपको मिल सकती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट अच्छी जॉब जो बहुत बंदे पसंद करते हैं, उसमें अपना इंटरनेशनल लाइसेंस ज़रूर लेके जाएं। अगर आप कोई डिलीवरी की जॉब्स करना चाहते हैं या और इस तरह की जॉब्स करना चाहते हैं तो अपना इंटरनेशनल लाइसेंस बनाना बिल्कुल ना भूलें। इस चैनल के ज़रिए रेगुलरली स्टडी वीज़ा और स्टडी वीज़ा के बाद की जर्नी को लेके मैं आपको असिस्ट करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप भी अपने यूके जाने का जो सपना है पूरा करना चाहते हैं, अभी तक अप्लाई नहीं किया है, तो इमीडिएटली ब्रॉडवे की टीम से कॉन्टैक्ट करें। नॉर्थ इंडिया में हमारे फिजिकल ऑफिसेज हैं, जम्मू में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, और अगर आप दूर से हैं तो आप हमारी ऑनलाइन टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ जुड़े रहें नए नए अपडेट्स के लिए। थैंक यू। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।